हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के एक और कंटेनर ऑब्जेक्ट के बारे में एक और कंपोनेंट के बारे में जो कि है एक्टिव डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या एक्टिव डायरेक्ट्री ओयू तो एक्टिव डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या एक्टिव डायरेक्ट्री ओयू जो है ये भी एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है जो दूसरे एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स को अपने में कंटेन करता है ये सबसे छोटा कंटेनर ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं इसको ये इसलिए क्योंकि ओ यू एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है डैट रिप्रेजेंट द लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रिसोर्स डैट हैव सिमिलर सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस तो अभी तक तो देखिए हमने डोमेन से शुरू किया था और डोमेन के बाद हमने फिर ट्री पे गए जो कि कलेक्शन था डोमेन्स का और फिर कलेक्शन ऑफ ट्रीज पे गए जो कि फॉरेस्ट था लेकिन एक ही डोमेन के अंदर भी आप एक कंटेनर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और ये एक छोटे छोटे ग्रुपिंग्स हो जाती हैं छोटे छोटे यूनिट्स हमारे बन सकते हैं जिसमें आप दूसरे एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स को कंटेन कर सकते तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के बेनिफिट के बारे में तो ये कॉमनली दो इंपॉर्टेंट पर्पजेज के लिए यूज होता है फर्स्ट है डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल यानी कि अगर आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी एन्वायरमेंट में नेटवर्क में किसी और को डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल करना चाहते हैं यानी कि डेलीगेट करना चाहते हैं अथॉरिटी उसको आ, कुछ छोटे लेवल का या कुछ लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देना चाहते हैं तो आप एक्टिव डायरेक्टरी ओयू या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को यूज कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आप जीपीओ से अप्लाई करते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप ओ यू एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप डायरेक्टली जीपीओ लगा सकते हैं तो हमने अपनी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स या जीपीओ सीरीज में काफ़ी जी पी ओस के ऊपर भी अप्लाई किए थे तो ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आपके डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर एक आपको फ्लेक्सीबिलिटी देता है कि आप जरूरत के अनुसार एक सिक्योरिटी बाउंड्री एक सब सिक्योरिटी बाउंड्री बना सकें और जरूरत के हिसाब उनको सॉफ्टवेयर या उनके ऊपर पॉलिसीज को अप्लाई कर सकें तो पिछले चार पांच वीडियोस में जो हमने कंटेनर ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझा उसको समराइज करते हैं एक स्क्रीन में तो उसको समझने के लिए देर-देर जरा देखिए कि ये जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरमेंट में जो डोमेन्स हैं उसके कलेक्शन को बोला जाता है ट्री और ट्रीज के कलेक्शन को या कॉम्बिनेशन को बोला जाता है फॉरेस्ट और सबसे बड़ा कंटेनर ऑब्जेक्ट माना जाता है और जो हमारा यू है वो अगर हम कंटेनर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो छोटा कंटेनर ऑब्जेक्ट माना जाता है इस पिक्चर में आपको सभी कंटेनर ऑब्जेक्ट्स के बारे में और क्लैरिटी मिल गई होगी तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिसनिंग